नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने मणिपुर में भारत माता की हत्या की है, मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या हुई है। लोकसभा में राहुल गांधी ने भारत माता के नारे लगाने वालों को बता दिया कि मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या हुआ है, भारत माता के साथ क्या हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री दो लोगों की आवाज सुनते हैं, रावण भी दो लोगों की आवाज सुनता था, एक कुंभकर्ण की और एक मेघनाथ की। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अदाणी की। राहुल गांधी का भाषण कैसा था यह बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया से भी पता चल रहा है। उनके जवाबों में मणिपुर कम, राहुल गांधी ज्यादा नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के भाषण में प्रधानमंत्री और वो दो लोग जिनकी बात वे किया करते हैं ये ज्यादा नजर आ रहे हैं। जैसे मैंने भाषण के शुरुआत में बोला, भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की, इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देश द्रोही हो, आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज प्लीज। राहुल गांधी के भाषण के जवाब में जब स्मृति ईरानी आईं, तो पुरानी घटनाओं का उल्लेख करने लग गईं। उनके भाषण में मणिपुर आया मगर कम देर के लिए। यह जवाब ही नहीं आया कि प्रधानमंत्री मणिपुर पर क्यों नहीं बोल रहे हैं और मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं। शायद इस सवाल का जवाब अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देंगे। सरकार के भाषणों से लगता है कि मणिपुर के बहाने उसकी उपलब्धियों को गिनाने का अवसर मिला है। स्मृति ईरानी गिनाने लग गई कि मोदी सरकार के दौर में कितनी लड़कियों ने स्कूलों में एडमिशन लिया, कितनी लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, पीएचडी में कितनी महिलाओं का एनरोलमेंट बढ़ा है। राहुल गांधी और स्मृति ईरानी का भाषण कैसा था, मुद्दे पर कितना था, इसमें भावुकता कितनी थी, नारेबाजी कितनी थी, आप खुद से भी जज करें। दोनों के भाषण आप लोकसभा टीवी के यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं और वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। राहुल गांधी के भाषण को तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले हिस्से में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े अपने अनुभव को विस्तार से बताया कि कैसे उनके भीतर का अहंकार खत्म हो गया और वो दूसरों की आवाज सुनने लग गए। दूसरा हिस्सा मणिपुर को लेकर था। राहुल गांधी ने मणिपुर के अपने दौरे का उदाहरण देते हुए कहा कि मैं मणिपुर गया लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। स्पीकर सर, भारत एक आवाज है, भारत इस देश के सब लोगों की आवाज है, और अगर हम उस आवाज को सुनना चाहते हैं, हमें अहंकार को, नफरत को मिटाना पड़ेगा। स्पीकर सर, कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है, मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। मैं मणिपुर में रिलीफ कैंप्स में गया, रिलीफ कैंप में आज जा रहा हूं मणिपुर में
रिलीफ कैंप में मैंने महिलाओं से बात की। सुसमय जवाब। मैं मणिपुर गया और मणिपुर के कैंप्स में मैंने महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं किया। ये तस्वीरें राहुल गांधी के मणिपुर दौरे की हैं। यह सवाल केवल राहुल गांधी का नहीं है, आखिर आम जनता भी जानना चाहती होगी कि जहां विपक्ष के सांसद चले गए, हर्षमंदर जैसे समाज से भी चले गए, वहां देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए। 8 अगस्त को गौरव गोगोई ने गृहमंत्री से पूछा कि आप भी एक ही बार गए, 15 दिन में दोबारा जाने की बात कही थी, मगर दोबारा नहीं गए। राहुल गांधी के भाषण के समय लगा कि व्यवधान ही एकमात्र प्रावधान है। कई बार टोका टोकी होती रही। जब राहुल ने मणिपुर में हिंदुस्तान और भारत माता की हत्या की बात कही, तब मोदी सरकार के कई मंत्री एक साथ विरोध में खड़े हो गए। कानून मंत्रालय से हटाकर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भेज दिए गए किरण रिजिजू ने कहा कि मणिपुर में हिंसा के लिए कांग्रेस पार्टी की 70 साल की नीतियां जिम्मेदार हैं, उग्रवाद कांग्रेस ने पैदा किया है। किरण रिजिजू के साथ मोदी सरकार के कई मंत्री खड़े हो गए और राहुल से मणिपुर वाले बयान पर माफी मांगने की बात करने लगे। मैंने महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं किया। एक महिला मुझे कहती है, मैंने उनसे पूछा, बहन क्या हुआ आपके साथ। मैं बहुत सारी महिलाओं से बात किया, मगर मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूं। एक महिला मुझे कहती है, मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारे साथ। कहती है, मेरा छोटा सा बेटा का सम्मान करें प्लीज। एक ही बच्चा था मेरा, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने उसको गोली मारी है। मैं पूरी रात, आप सोचिए, आप अपने बेटे के बारे में, बेटों के बारे में सोचिए, मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही। झूठ नहीं, झूठ आप बोलते हो, झूठ मैं नहीं बोलता हूं। मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही और फिर मुझे डर लगा, मैंने अपना घर छोड़ दिया, जो भी मेरे पास था वो मैंने छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा, कुछ तो लाई होगी। कहती है, नहीं, सिर्फ मेरे जो कपड़े हैं ये मेरे पास हैं। और फिर इधर उधर ढूंढती है और एक फोटो निकालती है और मुझे कहती है, यही मेरे पास अब बची है। एक और उदाहरण दूसरे कैंप में, मैं एक महिला मेरे सामने आती है, मैं उससे पूछता हूं, तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हारे साथ। और जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा, आप महिला का दर्द नहीं सुन सकते, जैसे ही मैंने उससे सवाल पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ, शर्म नहीं है तेरे को, वैसे ही एक सेकंड में वो कांपने लगी। उसने अपने दिमाग में वो दृश्य देखा और वो बेहोश हो गई, मेरे सामने कांपती हुई बेहोश हो गई। तो ये मैंने आपको सिर्फ दो उदाहरण दिए हैं। स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में
हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है, हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर।